वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 7 नवंबर, हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं वहीं साउथ ताइवान की तरफ। अभी तक कुछ नया वॉयज ऑर्डर नहीं आया तो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। वेदर थोड़ा सा ठीक नहीं है, इंटरनेट भी अपना थोड़ा ठीक नहीं है, तो कनेक्टिविटी की इश्यूज़ है, तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा ब्लॉग, ये पता नहीं कब कर पाऊँगा, देखते हैं। हाँ, लेकिन आज मैं बाल काटने जा रहा हूँ, तो अगर आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं तो इसका मतलब मैं सक्सेसफुल रहा हूँ बाल काटने में। जहाज पे कोई नाई नहीं होता है, बार बार नहीं होता है, खुद ही काटने पड़ते हैं, या कोई एक्सपर्ट होता है तो उससे कटवा लेते हैं। तो मेरे पास ये ट्रिमर है, इसमें अलग अलग अटैचमेंट्स होते हैं, तो अभी मैं इसको काटने जा रहा हूँ अपने बालों को। अगर सक्सेसफुल रहा तो आपको दिखा पाऊँगा, अदरवाइज़ जब बाल ठीक हो जाएंगे तब दिखाऊँगा। तो चलिए, ये ट्राई करता हूँ बाल काटने का, आज का ये मेरा यही अटेम्प्ट है। ये अटैचमेंट्स हैं, हाफ, वन, वन एंड हाफ, टू, थ्री, फोर, सिक्स एंड एट। तो शुरू से करूँगा नंबर सिक्स है। तो बाल तो कट गए हैं, पसंद आए हो तो लाइक कर देना, तो वैसे ज़्यादा कट गए हैं बट ठीक है, जहाज के लिए सही है, छोटे बाल सही रहते हैं, झड़ते कम हैं और झंझट कम होती है छोटे बालों में, तो बस यही है, ठीक ठाक कट गए मुझे मेरे हिसाब से। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर पसंद आया तो यहाँ पे एक लाइक जो कर देना। बर्थडे बॉय, यू गोना कट द केक, माय डार्लिंग, ही इज अगेन, कम दिस साइड, ओके, पुट दिस केक हियर। Where is the Bhatti from? Battery is required, huh? For... Yes, you can. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Aman. Happy Aman. Yes. Number one. Hey, it has got jam also inside, huh? Oh, this is a nice cake. Okay, happy birthday. Thank you so much, sir. Thank you. Enjoy. Bridge. ये है जहाज का ब्रिज, ये रेडियो रूम बोलते हैं इसको, और ये ब्रिज कंसोल है, ये स्टीयरिंग है, हैंड स्टीयरिंग, वैसे जैसे हवाई जहाज उड़ते हैं वैसे ही ऑटो पायलट में चलता है, बट मैन्यूवरिंग जहाँ होती है, ट्रैफिक होता है, तो हम ये हैंड स्टीयरिंग यूज़ करते हैं। ये मेन इंजन का कंट्रोल्स हैं, बाकी ये रडार है, एक्डेस है, ये अब समझ लो जहाज का गूगल मैप यही है, एसएच प्लानिंग सब इसी से होती है। ये पूरा कंसोल दिख रहा है यहाँ पे, ये एस बैंड रडार है, एक्डेस, और ये अपना नंबर टू रडार है, एक्स बैंड, और ये एक्डेस दूसरी, ये सेम वही सीसीटीवी कैमरास, लाइटिंग, और ये हॉर्न का हैंडल, यही सब है। और ये आइस क्लास जहाज है, तो यहाँ तक आइस क्लास 1C जहाज है, इसलिए ये यहाँ तक कवर्ड है, वैसे इतना कवर होता नहीं है, बड़ा ब्रिज है ये, पोर्ट साइड की ब्रिज विंग है। यहाँ से व्यू देखो, ये दिख रहा है व्यू,
और वाइपर्स लगे होते हैं इसमें शीशा साफ करने के लिए। ये अपना कंपास है। ओके, इसी तरह यहाँ पर है अपने नेविगेटिंग ऑफिसर बाहर घूम रहे हैं। सेकेंड मेट, ये क्या चीज है बताओ क्या है? ये पर्व है इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बेकन, 16 के हिसाब से होना चाहिए। उसके साहब शीशा टूट गया है, कबूतर टकराया था क्या इससे? ये स्टारबोर्ड ब्रिज विंग है, ये पैनामा कनाल के लिए ये अरेंजमेंट किया जाता है, कैनवस लग जाता है इसके ऊपर। और ये जहाज का व्यू यहाँ से है। अटलांटिक ब्लू पिछला हिस्सा है, ये फनल है ब्लू येलो ब्लू, और इसके ऊपर ये रेडार चल रहे हैं। ये रेडार दिख रहा है आपको, नेविगेशन लाइट्स। इसके ऊपर इसको बोलते हैं मंकी आइलैंड, ये क्रेन है, प्रोविजन क्रेन, ये वाली एक ये है एक उधर है। आज ये लोग चेंज कर रहे हैं लाइट, क्योंकि ये टूट गया है इसका ग्लास, पता नहीं कैसे ग्लास स्पेयर में वो है, अभी चेंज कर रहे हैं। देखो ये कैसे शटर हो गया है, तो ब्रिज टूर तो मैंने आपको दिखा दिया है। ज़्यादा कुछ था नहीं, नेविगेटिंग इक्विपमेंट्स थे और आइस क्लास वेसल है इसलिए ब्रिज थोड़ा बड़ा है। आइस क्लास पूरा आइस क्लास नहीं है, आइस क्लास 1C क्लास है, मैंने कि प्योर आइस क्लास नहीं है जहाज, तो उसके हिसाब से सारे हीटिंग अरेंजमेंट्स भी दिए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख, हर केबिन में ये हीटर भी दिया जाता है, क्योंकि आइस क्लास इक्विपमेंट है, ये होना चाहिए एकोमोडेशन में। तो अब मैं अभी इस समय ऑल रिकॉर्ड बुक लिखने के लिए आया हूँ, पार्ट 1, ऑल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1। तो इस ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट बुक होती है, जितने भी ऑयल ट्रांसफ़र्स होते हैं, जितने भी बिल्स ट्रांसफ़र्स होते हैं, या हम कुछ भी अगर पंप आउट करते हैं शिप से, इंजन रूम से, तो इंजन रूम से, इंजन रूम से, क्योंकि ये पार्ट 1 मशीनरी स्पेस ऑपरेशंस के लिए होती है। तो ये ऑल रिकॉर्ड बुक में सारे ऑपरेशंस रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है, अगर नहीं करते हैं तो बहुत सीरियस इम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। फिर बहुत ज़रूरी है कि जो भी ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, इंसिनेटर से हम ऑयल बर्न कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो सब इसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट बुक, तो इसको डेली अपडेट करते रहता हूँ। अगर डेली अपडेट नहीं करूँगा तो फिर काफ़ी पाइल अप हो जाएगा और फिर मिस भी हो जाती हैं काफ़ी सारी एंट्रीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कोड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब बहुत ही लीगल डॉक्यूमेंट है ये। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो भी जहाजी लोग, अभी कोई नया अगर जहाजी कोई आ रहा है तो उसके लिए भी ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इंजीनियर्स के लिए स्पेशली। बाकी और क्या, फिर कल मैंने आपको दिखाया हमने कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया इलेक्ट्रिकल कैडेट का, बस ऐसे ही करते हैं, मतलब सब मिलके एक फैमिली की तरह रहते हैं, और छोटा सा जेस्चर होता है कि कटिंग करना है और उसको अप्रिशिएट करना, लोगों को बर्थडे विश करना, जिसका भी बर्थडे हो तो वो उनको अच्छा लगता है, तो एक छोटा सा जेस्चर होता है, इसी तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आज के मौसम का हाल कह रहा हूँ, आज के मौसम का हाल हो गया, इमरजेंसी जनरेटर का रास्ता। टेस्ट करने वाले हैं इमरजेंसी जनरेटर को ऑन लोड।
हर महीने टेस्ट करते हैं। इसकी बैटरियां हैं, ये इसका स्टार्टर है। हाँ, ये इसका टैंक है डीजल ऑयल, और ये इसकी स्टार्टर स्प्रिंग स्टार्टर है, सेकेंडरी मीन्स ऑफ स्टार्टर। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना। मेथड है स्प्रिंग स्टार्टर, अगर बैटरी फेल हो जाती है ऐसे स्प्रिंग से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। लगाओ दम, लगाओ आ गया, हटाओ उसे, बाहर निकाल दो, तुरंत इसको बाहर निकाल दिया। दिख रहा है? करो फिर start. तो अब करेंगे हम लोग ऑन लोड टेस्टिंग सिमुलेशन से। तो ये एक सिमुलेटेड ब्लैकआउट हो जाएगा इमरजेंसी स्विच बोर्ड का। जनरेटर लोड पे आ गया है, 16 का रेगुलेशन है यही। अब इसको लोड पे डालेंगे। लोड डाल रहे हैं, यहां तक लेके जाएंगे। जनरेटर ऑलरेडी लोड पे आ चुका है और आधा घंटा इसको चलाएंगे। 150 किलोवाट डाला है तो लास्ट के हिसाब से हमें इसको कम से कम 40% लोड पे चेक करना चाहिए। इमरजेंसी इक्विपमेंट है तो
हर महीने की ये टेस्टिंग होती है और हर हफ्ते इसको ऐसे ही आइडल पे चला के टेस्ट किया। रेगुलेशन हैं जो बने हैं, इसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। सारी रीडिंग नोट कर रहे हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे भी इसके पीछे एक जगह है, ये देखो ये मैनिक्विंस है। इसको पायरेसी एरिया में जहाज में चारों तरफ लगाते हैं पायरेट्स को धोखा देने के लिए कि हम लोग खड़े हैं और देख रहे हैं उनको। ये मैनिक्विंस लगाए जाते हैं। ये इमरजेंसी जनरेटर के जस्ट पीछे दिखाई दे रहा है हमें। तो इस तरह से टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग प्लेस। और देखो एकदम नीला नीला एकदम ब्लू इंजन अभी चलाया है तो ये थोड़ा सा और लाइट ब्लू हो जाता है। पीछे पानी प्रोपेलर चल रहा है, एकदम डीप ब्लू सी है। यहाँ ब्लैक दिख रहा है बट एक्चुअली कलर ये है एकदम डीप ब्लू। बस आज का ब्लॉग यही मन करता हूँ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। जब भी दूसरे ब्लॉग मिलते हैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, बस अब इसको हम करते हैं खत्म यहीं पे। एंड टेक केयर, और इसी के साथ इसको बंद करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।